देश की रिक्शा सब करा बेटा, मेरा बेटा भी कर गया, हमने भी पूरा गर्व है, हमने भी पूरा गर्व है बेटा। जम्मू कश्मीर में 2 साल थे। 2 साल कौन से गांव में, कौन सी जगह थे? जम्मू अखनूर। तो भाई बेबस पत्नी आप फिलहाल देखने लग रहे, ज़्यादा बात मैं भी नहीं करूँगी क्योंकि भाई हालत आप देखने लग रहे, एक महिला की हालत जिसका पति चला जाओ उस पर के बीत है कोई भी नहीं समझ सकता, बिल्कुल हालत बहुत ख़राब हो रखी। और यहाँ पर माँ भी है, इनसे बात करने की कोशिश करूँगी, चाहे भी आर्मी में लगाओगे, देश का सेवा करा। बचपन तो सपना था उनका आर्मी में जाना, बचपन था, बचपन था बेटा, बचपन तो था। आपके दो बेटे, दो हाँ जी। फौजी साहब अमरदीप संधु है जो भाई फौजी शहीद है, इसके बारे में बताओ थोड़ा। सबसे पहले तो भाई सोमनाथ और आपकी पूरी टीम जो यहाँ पर है, आज जो शहीद अमरदीप कुमार जो शहीद हुआ है, इसको कवर करने के लिए और एक जो सैनिक सम्मान के साथ में जो अंतिम संस्कार किया गया है, पूरी टीम को मैं आपको आप बताइए पाठक हो, हम देखते भी हैं कि आपकी पूरी टीम जहाँ पर भी हमारा कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो आपकी टीम वहाँ पर पहुँचती है। पूरे पत्रकार को, पूरे सभी भाइयों को मैं दूसरी कह रहे थे नमन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ, ताकि आप अपने आर्मी की बातों को अपने सोशल मीडिया पर आप उठा करके और बड़ा मुद्दा जो आप लोग उठाते हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रही जो अमरदीप है, ये 8 महीने जमीन में थे और फिलहाल राष्ट्रीय राइफल डोडा डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय थे। कई दिन से ये वहाँ पर ऑपरेशन चला हुआ था और क्योंकि दोबारा फिर रिजेंट किसी राजनीतिक कारण से दोबारा सक्रिय हो गए हैं, वहाँ पर इनकी टीम पर अचानक घात लगा करके उन पर हमला किया। हमला तो उनके ऊपर हुआ और जो ये अपना अमरदीप है इनको गोली लगी थी और 3 वहाँ पर ऑन द स्पॉट वहाँ पर ख़त्म हो गए थे, शहीद हो गए थे। ये घायल होने के बाद बावजूद भी इसने और इनकी पूरी टीम ने 4 मिलिटेंटों को वहाँ पर ख़त्म कर दिया और 2 भागने में सफल हुए। उनको भी अगले दिन हमारी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और बड़े लेवल पर ऑपरेशन चला करके उनके मिलिटेंटों के सहयोगियों को भी और मिलिटेंटों को भी बर्बाद कर दिया। सर उम्र कितनी थी अमरदीप की और परिवार में कौन कौन है? इस अमरदीप की तकरीबन पिछले 11 महीने पहले इसकी शादी हुई थी और तकरीबन इसकी 28-29 साल इसकी एज है। ये घर में एक भाई भी है, माता पिता भी है और आपको पता है कि पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और पूरे हमारे जींद और हिसार के पूरे सैनिक उनको उनके अंतिम संस्कार के अंदर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे थे। हम पूरे सैनिकों का भी और पूरे गाँव के अंदर आज एक मात्र मतलब माहौल छाया हुआ, एक कम उम्र का लड़का और कोतकला गांव का पहला लड़का है जो शहीद हुआ है। इससे पहले कोतकला में काफ़ी फ्रीडम फाइटर आज़ाद हिंद फौज के भी काफ़ी करीब 19-20 सैनिक थे और कोतकला के काफ़ी जो जवान हैं जो फौज में सेना में पिछले 14 के बाद में तकरीबन 80-90 लड़कों ने आर्मी ज्वाइन किया है। इसमें बड़ा दुख भी है लेकिन गर्व भी है कि कोतकला गाँव का एक लड़का देश के काम आया। सर कोई लड़का लड़की बच्चा कोई है अमर? अभी जो अभी सुनने में तो यही आया है कि जो उनकी औरत है वो बिल्कुल कम उम्र की उनकी घरवाली है, वो अभी प्रेग्नेंट है। देखो हम तो परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि उनको लड़का दे दें। आपको पता है पीछे आपने कवर किया था मखंड में, उसको भी लड़का हुआ और कल जादनवाड़ा में आप गए थे, आपकी पूरी टीम गई थी, उनको भी 3 महीने का पेट में बच्चा है। मैं कहता हूँ कि परमात्मा उनको भी लड़का। परिवार की किस तरीके से मतलब मदद करी जाएगी, किस तरीके का? मैं तो गांव का तो देखिए आप जो माहौल है इतना जरूर कहूँगी कि जब लड़का जवान शहीद हो जाता है राजनेता नेता सभी आते हैं जी और उस कुछ समय के बाद में उसको भूल जाते हैं जी। हम तो शासन प्रशासन से हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो दुखी परिवार है उस दुखी परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उसकी हेल्प की जाए। और अब तो सुनने में आया कि हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी शहीद के लिए 1 करोड़ रुपये का ऐलान कर दिया है। बाकी पैसे से कुछ नहीं होता है, आप सभी जानते हैं किसी की बिंदी किसी का माथे का संदूक, किसी का भाई किसी का बेटा किसी का पोता जब देश के लिए अपने शहीद हो जाता है तो उस परिवार पर जो उस परिवार पर क्या होती है। जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरीके की हेल्प करती है जी शहीद परिवारों की? देखो सही बताया आपने, दोनों इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन आपने पता है हमारे पूरे हरियाणा के पूरे देश के अंदर ये संगठन है जी। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन पूरे हरियाणा के अंदर शहीदों के नाम से स्कूल का नाम
ठाकुर का नाम और शहीदों की प्रतिमाएं प्लस यहाँ से पूरे जो सैनिकों से जो कार्रवाई होती है सारी कार्रवाई करवाते हैं। साथ में हरियाणा गवर्नमेंट से अपने लेटर के द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट के पास में लेटर को भेजता है, क्योंकि हमारे संत सिंह मलिक बड़े एक्टिव हैं, हमारे दोनों प्रेसिडेंट हैं राज्य साहब हैं, हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट कैप्टन राजेंद्र रेडू साहब हैं, वो कागजी कार्रवाई करते रहते हैं। रही दूसरी बात, जब भी शहीद का शहीदी दिवस आता है हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन उस पूरे गांव के अंदर जाती है और गांव के अंदर उसका शहीदी दिवस मनाया जाता है। और इस सितंबर में तो हमारे शहीदी दिवस काम से कई शहीदी दिवस आगे के साथ में हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन पौधारोपण का काम भी कर रही है शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है जी, धन्यवाद।